आज जो वेबसाइट मैं आपको बताने वाला हूँ वहां से आप लोग 20 से $30 तक अर्निंग कर सकते हैं, और अगर कोई बिगनर है तो वो भी इससे अर्निंग कर सकता है। तो सबसे पहले तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी न्यू ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। इसके अलावा मैंने एक सेकंड चैनल क्रिएट किया है जिसके ऊपर मैं एफिलिएट मार्केटिंग के रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। तो अगर आप लोग एफिलिएट मार्केटिंग से अर्निंग करना चाहते हैं, जो लोग एफिलिएट मार्केटिंग में इंटरेस्टेड है, तो वो लोग मेरे उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका फर्स्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां पे क्लिक कीजिए और उसको सब्सक्राइब कीजिए। अब आप लोग $20 से $30 तक कैसे अर्निंग कर सकते हैं, तो आपने यहाँ पे आ जाना है इस वेबसाइट के ऊपर capterra.com। तो यहाँ पे ये देखिए, ये रहे इसके स्पेलिंग capterra.com के ऊपर आपने आ जाना है। अब ये एक ऐसी वेबसाइट है जिसके ऊपर हजारों प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगी जिनके हमने रिव्यू करने हैं। सिर्फ हमने उनका एक रिव्यू लिखना है, पॉजिटिव रिव्यू लिखना है। तो वो जब हम वो रिव्यू लिखेंगे, जैसी वो प्रोडक्ट होगी उस हिसाब से हमें अर्निंग होगी। यानी कि उसके हमें $10 भी मिल सकते हैं, $20, $30 और यहाँ तक कि आपको $50 या $100 तक भी जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हैं उनका रिव्यू करने के मिल सकते हैं। अब ये सब आपने कैसे करना है, तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे ले चलता हूँ सिमिलर वेब के ऊपर। और यहाँ पे ये देखिए capterra.com को मैंने ओपन किया हुआ है ये दिखाने के लिए कि इसका रैंक क्या है, कितनी इसकी ट्रैफिक है मंथली। तो यहाँ पे ये देखिए, अगर हम इसको नीचे करते हैं तो ये देखिए जो इसकी ट्रैफिक है वन मंथ की 4.36 मिलियन यहाँ पे लोग विजिट कर रहे हैं और वो लोग यहाँ पे अपने रिव्यूज लिखते हैं, मुख्तलिफ जो प्रोडक्ट हैं या सॉफ्टवेयर हैं उनको रिव्यू करते हैं। और यहाँ पे ये देखिए इतनी ज्यादा ट्रैफिक आ रही है और ये हर मंथ की है। ये देखिए जून 2020 से लेकर यहाँ पे नवंबर 2020 तक इसकी जो ट्रैफिक है एवरी मंथ 4.4 या फिर 4.3 4.5 इस तरह से चल रही है। तो अगर हम यहाँ पे नीचे हैं तो ये देखिए मोस्टली जो ट्रैफिक है इनकी वो यूनाइटेड स्टेट से आ रही है, कनाडा से आ रही है, यूनाइटेड किंगडम से आ रही है, इंडिया से है, ऑस्ट्रेलिया से है। तो जो बड़े बड़े यूरोपियन कंट्रीज हैं उनसे उनकी ट्रैफिक जो है वो आ रही है। अब इसके अलावा अगर आप ट्रस्ट पायलट के ऊपर जाते हैं और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 3.5 इसको रेटिंग जो है वो मिली हुई है 5 में से, जो कि एक अच्छी रेटिंग है। यहाँ पे देखिए capterra और ट्रस्ट पायलट के ऊपर आप जाके किसी भी वेबसाइट का जो रिव्यूज है वो चेक कर सकते हैं कि क्या रेटिंग है उस वेबसाइट की। तो अगर हम यहाँ पे इसकी चेक करते हैं तो यहाँ पे अगर हम capterra की रेटिंग चेक करें तो 3.5 है ट्रस्ट पायलट के ऊपर, जो कि 5 में से एक बहुत ही अच्छी रेटिंग है। अब हम वापस आते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि कैसे हमने अर्निंग करनी है, कैसे हमने रिव्यूज लिखने हैं। तो सबसे पहले तो आपने अकाउंट क्रिएट कर लेना है, बहुत ही ईजी है अकाउंट क्रिएट करना। सिर्फ आपने अपना नेम देना है और उसके अलावा ईमेल है और ये वो चीजें आपने देनी है और आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब रिव्यू कैसे लिखना है, तो राइट अ रिव्यू के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये फॉर वेंडर्स, यानी कि वेंडर्स वो लोग हैं जो अपनी प्रोडक्ट यहाँ पे लाके देते हैं रिव्यूज लेने के लिए, तो वो लोग हैं वेंडर्स। तो हम लोग हैं यहाँ पे रिव्यू लिखने वाले या फ्रीलांसर, तो हमने क्या करना है, ये देखिए ये कुछ पॉपुलर सॉफ्टवेयर यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब इन सॉफ्टवेयर के ऊपर हम लोग रिव्यूज लिख सकते हैं। ये देखिए डायनामिक्स 365 जो कि माइक्रोसॉफ्ट का एक सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पे ये भी शो हो रहा है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट भी यहाँ पे, ये देखिए उन्होंने भी अपना सॉफ्टवेयर यहाँ पे दिया हुआ है। उसके अलावा ये देखिए फ्रेश बुक है और यहाँ पे हब स्पॉट है, क्विक बुक्स है और यहाँ पे सेल फोर्स है और यहाँ पे बेस कैंप है। तो ये बड़ी बड़ी ब्रांड्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो अब हम फॉर एग्जाम्पल इनमें से कोई भी ओपन कर लेते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आपने रिव्यूज जो है वो लिखने हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमने ये सेल फोर्स को ओपन कर लिया। अब यहाँ पे इसको ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे ये देखिए नीचे फर्स्ट नेम देना है, लास्ट नेम है, ईमेल एड्रेस है, जॉब टाइटल और ऑर्गेनाइजेशन नेम, इंडस्ट्री और ये सब चीजें प्रोवाइड करनी है और टोटल 3 स्टेप हैं इसके। तो नेक्स्ट स्टेप में हम अभी चलते हैं, पहले ये वाली डिटेल्स जो है वो फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं फिल करता हूँ, तब तक मैं वीडियो स्टॉप कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो भी डिटेल्स प्रोवाइड करनी थी वो मैंने प्रोवाइड कर दी है, जैसा कि यहाँ पे देखिए फर्स्ट नेम था, लास्ट नेम है और ईमेल में मैंने लिख दिया, जॉब टाइटल में मैंने मैनेजर लिख दिया, आपने भी ये सेम इस तरह से लिख देना है। ऑर्गेनाइजेशन नेम में आपने अपना ही नेम लिख देना है, जैसा कि मैंने अपने चैनल का नेम लिख दिया। और इंडस्ट्री लिखनी है, आपने कंपनी साइज है और यहाँ पे हाउ लॉन्ग हैव यू यूज दिस सॉफ्टवेयर, तो आपने यहाँ पे
लेस देन 6 मंथ या 6 से 12 मंथ तक का सिलेक्ट करना है। वो लोग पूछ रहे हैं कि कितनी देर आपने ये सॉफ्टवेयर जो है वो यूज किया है। उसके अलावा यहाँ पे देखिए, हाउ फ्रीक्वेंटली डू यू यूज दिस सॉफ्टवेयर, यानी कि आप लोग जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो वीकली करते हैं या डेली करते हैं या मंथ में एक दफा करते हैं, तो आपने वीकली ही सिलेक्ट कर लेना या डेली सिलेक्ट कर लेना। क्योंकि अगर आप मंथली करेंगे तो वो लोग बोलेंगे कि ये लोग तो ज्यादा यूज ही नहीं करते, यहाँ पे हमने 6 मंथ सिलेक्ट किया, तो अब वो लोग बोलेंगे 6 मंथ में ये एक मंथ में एक दफा चेक करते हैं, इट मीन कि उन्होंने अच्छी तरह यूज नहीं किया। तो आपने डेली या वीकली कर देना है। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करना है योर व्हाट इज योर रोल इन यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर, आई एम अ यूजर, और उसके बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना। अब ये नेक्स्ट स्टेप आपके पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ये देखिए, ओवरऑल क्वालिटी के बारे में आपने बताना है, तो हम इसको बोलेंगे 5 और ईज ऑफ यूज तो 4 बोल देंगे, 4 स्टार दे देंगे। फीचर एंड फंक्शनैलिटी तो इसको भी हम लोग 5 स्टार दे देंगे। कस्टमर सपोर्ट 5 स्टार दे देंगे। वैल्यू ऑफ मनी तो 4 स्टार दे देंगे। एज ऑफ डिवेलपमेंट तो यहाँ पे इसको भी 4, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कैसे इसको रेटिंग देनी है। अब उसके अलावा यहाँ पे ये देखिए, ये भी रेटिंग है जो कि ऑप्शनल है, तो यहाँ में से आप लोग इनको 5 स्टार या कुछ को 4 स्टार, 5 स्टार, 4 स्टार, ऐसे आप इनको सिलेक्ट जो है वो कर सकते हैं। उसके अलावा हाउ डज द प्राइसिंग फॉर सेल फोर्स कंपेयर टू सिमिलर प्रोडक्ट, तो यहाँ पे आप लोग वो लोग पूछ रहे हैं कि इसकी प्राइसिंग जो है वो कैसी है, एक्सपेंसिव है या फिर नॉर्मल है या फिर बिल्कुल ठीक है इसकी प्राइस, तो हम लोग इसको बोल देंगे। अगर हम लोग एक्सपेंसिव बोलेंगे तो ये अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता है, हमने उनकी तारीफ करनी है, उनके बारे में अच्छी चीज़ें बतानी है, तो हम लोग ये सिलेक्ट कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे हाउ लाइकली इज इट डेट यू वुड रिकमेंड सेल फोर्स टू अ फ्रेंड और कोलीग्स, तो वो लोग बोल रहे हैं कि अगर आप किसी को रिकमेंड करेंगे तो आप लोग इसको कितने नंबर्स देना चाहेंगे, तो हम लोग बोलेंगे कि 10 नंबर्स, यानी कि वेरी लाइकली। उसके बाद आपने यहाँ पे ये देखिए, टाइटल योर रिव्यू, प्रोज कॉन्स और डिस्क्राइब, ये ऑप्शनल है, तो यहाँ पे आपने ये सब चीज़ें लिखनी है, यानी कि रिव्यू का टाइटल लिखना है और उसके अलावा यहाँ पे प्रोज हैं कॉन्स हैं। तो अगर आपको ये नहीं पता सेल्स फोर्स के बारे में कि अब आपने तो ये यूज़ नहीं किया, अब आप लोग कहाँ से इसके प्रोज एंड कॉन्स लें, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है गूगल में, और अगर आप लोग यहाँ पे लिखते हैं सेल फोर्स रिव्यू, तो यहाँ पे ये देखिए ये फर्स्ट लिंक ही आपको मिल जाएगा, ये आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अब अगर आप कोई और यूज कर रहे हैं सॉफ्टवेयर, किसी और का रिव्यू लिख रहे हैं, तो आपने ऐसे ही गूगल में आके लिखना है और आपको बहुत ज्यादा रिव्यूज मिल जाएंगे और उनमें आपको प्रोज एंड कॉन्स भी मिल जाएंगे। यहाँ पे ये देखिए नीचे आ जाते हैं और ये देखिए सेल्स फोर्स प्रोज और यहाँ पे नीचे कॉन्स, ये आ चुके हैं। अब आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल इनमें से मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक इनको सिलेक्ट करता हूँ, अब आपने इनको रीड करना है और उसके बाद आपने इनको थोड़ा सा एडिट करके यहाँ पे फिर इसको सबमिट करना है। मैं सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये देखिए सेम चीज़ मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी है। और उसके अलावा यहाँ पे मैं नीचे चलता हूँ और ये कौन से उसके, और इसको भी मैं कॉपी करता हूँ और उसके बाद इसको भी मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे टाइटल योर रिव्यू तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ऑनेस्ट रिव्यू, और उसके बाद यहाँ पे नीचे ये ऑप्शनल है, इसको आप छोड़ सकते हैं और ये बाकी भी ऑप्शनल है। और यहाँ पे डिड यू स्विच फ्रॉम अनदर प्रोडक्ट, तो ये लोग पूछ रहे हैं कि आपने क्या इसको यूज करने के लिए किसी दूसरी को छोड़ा था उसके बाद इसको यूज किया था, तो हम लोग बोलेंगे कि यस नो कुछ भी बोल सकते हैं और ये ऑप्शनल है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है और सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है आपने। अब आपका रिव्यू जो है वो सबमिट हो चुका है, वो लोग रिव्यू करेंगे इसका और उसके बाद वो लोग विद इन 24 आवर्स या 48 आवर्स या फिर मैक्सिमम 3 बिजनेस डेज में वो लोग रिव्यू करके आपको इसकी जो भी अमाउंट होगी वो लोग पे कर देंगे। जितना ज़्यादा आपने अच्छा लिखा होगा, जितना ज़्यादा अच्छा उनको लगेगा, वो लोग उतना अच्छा आपको पे करेंगे। तो यहाँ पे ये और भी सॉफ्टवेयर आ चुके हैं और यहाँ पे कंटिन्यू ब्राउजिंग कैप्टेरा के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास और ज़्यादा सॉफ्टवेयर जो है वो शो होना शुरू हो जाएंगे, जिनके हम लोग रिव्यूज जो है वो लिख सकते हैं। तो यही थी आज की वीडियो और यही था मेथड कि कैसे आप लोग अर्निंग कर सकते हैं। सिर्फ अगर आप डेली 1 से 2 प्रोडक्ट का रिव्यू लिखते हैं तो मैक्सिमम आपको हाफ आवर लगेगा और इस तरह आप लोग $20 से $30 तक अर्निंग कर सकते हैं। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।